लगभग 15 से भी ज़्यादा डिजर्ट के कूलर का साइड बाय साइड कंपेरिजन करने के बाद हमने इंडिया की ये तीन सबसे अच्छे डिजर्ट एयर कूलर को सिलेक्ट किया है। इस वीडियो में हम न केवल डिजर्ट एयर कूलर का रिव्यू करेंगे बट इनके डिटेल बाइंग गाइड के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपको बाइंग गाइड के बारे में नहीं पता है तो आप अपने लिए एक ऐसा कूलर खरीद लेंगे जो प्रॉपर कूलिंग नहीं करेगा, बैड स्मेल करेगा और उसके मोटर में बार बार प्रॉब्लम होंगी और आपको बार बार उसे रिपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने सभी बातों को बहुत ही गहराई में बताया है, फिर भी यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मात्र 2 घंटे में आपको कमेंट बॉक्स का आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बाइंग गाइड की कि आपको एक डिजिट एयर कूलर क्यों खरीदना चाहिए। यदि आप एक ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है और वहां पर बहुत ही ज़्यादा शुष्क एरिया है तो आपको डिजिट एयर कूलर खरीदना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डिजिट एयर कूलर से आप बहुत बड़े क्षेत्र को बहुत ही आसानी से कूल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि इसमें कौन सा कूलिंग पैड अच्छा होता है। एक तो आता है वुड वूल कूलिंग पैड और दूसरा होता है हनीकॉम्ब कूलिंग पैड। जो पहले बात करें हनीकॉम्ब कूलिंग पैड की, तो यह एक लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी वाला पैड है जिसमें पानी देर तक ठहरता है और इससे कूलिंग का काम बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से और देर तक होता है। और तीसरा बाइंग गाइड यह है कि आप कितना भी महंगा एयर कूलर खरीद लें और किसी भी ब्रांड का खरीद लें, वह तब तक अच्छी तरह से कूलिंग नहीं करेगा जब तक आपके रूम का वेंटिलेशन सही नहीं हो। चौथा पॉइंट बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि जब कूलर में पानी भर दिया जाता है तो वह बहुत ही ज़्यादा वजन होता है, इसलिए इसकी बिल्ड क्वालिटी यदि सही नहीं होगी तो इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर इसमें क्रैक्स आ जाएंगे और यह टूट भी जा सकता है। और पांचवा बाइंग गाइड यह है कि आप किसी भी एयर कूलर को खरीदने से पहले यह देख लें कि आपके शहर में उस ब्रांड का सर्विस सेंटर है कि नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं उन तीन डिजिट एयर कूलर की जिसको हमने अपने लिस्ट में जगह दी है। तो हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर पर यह क्रॉम्पटन ओजोन का डिजिट एयर कूलर आता है जिसकी जो मोटर पावर है वह 190 वाट की है और यहाँ पर 4200 क्यूबिक मीटर पर हावर के स्पीड से एयर थ्रो करता है। इसमें जो पैड लगा हुआ है वह हनीकॉम्ब है और यह 4A डिफ्लेक्शन के साथ आता है। और वहीं बात करें इस डिजिट एयर कूलर के अदर फीचर की, तो इसमें वाटर लेवल इंडिकेटर, आइस चेंबर और लॉक करने वाला व्हील दिया गया है। और क्रॉम्पटन के इस एयर कूलर की सबसे खास बात की, यहाँ पर ऑटो फिल टेक्नोलॉजी दी गई है जो कि वे स्थान जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है और रात में कूलर में पानी खत्म हो जाता है तो यह टेक्नोलॉजी उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है और क्रॉम्पटन की तरफ से इस पर 1 साल की वारंटी दी जा रही है। लेकिन इसकी एक फीचर जो मुझे थोड़ा कम अच्छा लगी, जो इसमें 4-way एयर डिफ्लेक्शन है उसमें आपको मैनुअल वर्क करना पड़ता है, क्योंकि इसके जो एयर का फ्लो मोड़ने के लिए आपको हाथों को यूज करना पड़ेगा जो कि मुझे लगता है कि एक छोटा सा कॉन्स है। इसलिए यह क्रॉम्पटन कंपनी का डिजिट एयर कूलर एक ओवरऑल बेस्ट प्रोडक्ट है। यदि आप इसके लेटेस्ट प्राइस को चेक करना चाहते हैं या फिर इन्हें बाय करना चाहते हैं तो मैंने इनके बेस्ट डिस्काउंटेड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है जहां से जाकर आप इनके लेटेस्ट प्राइस को चेक कर सकते हैं। तो लिस्ट के दूसरे नंबर पर बजाज कंपनी का सबसे ज़्यादा फेमस मॉडल है जो कि है बजाज डीरो मरीन। इसमें जो मोटर लगा हुआ है वह 200 वाट पावर का है जिससे इसकी जो क्षमता है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। बजाज के इस डीरो मरीन मॉडल की सबसे जो खास बात है कि यहाँ पर आपको अच्छा एयर थ्रो और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वह बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिल जाती है जो इसको अन एयर कूलर से अच्छा और डिफरेंट बनाता है। लिस्ट के लास्ट और पहले नंबर पर यह सिम्फनी कंपनी का सिम्फनी सुमो मॉडल आता है। बात करें इसके स्पेशल फीचर की, तो हनीकॉम्ब पैड लगा हुआ है जिससे जो पानी है वह देर तक टिका रहता है और इसमें भी ऑटो स्विंग, आइस चेंबर, वाटर लेवल इंडिकेटर और यह भी इन्वर्टर कॉम्पैक्टेबल एक डिजिट एयर कूलर है जो कि लिविंग रूम, डाइनिंग रूम और किचन के लिए बेस्ट माना जाता है। सिम्फनी सुमो के इस डिजिट एयर कूलर की सबसे खास बात की, यहाँ पर पाइप दिया जाता है जिसका एक सिरा इस कूलर के पीछे और दूसरा सिरा टैप में जोड़ दिया जाता है जिससे यह ऑटो फिल करता है। तो यदि आप एक ऐसा डिजिट एयर कूलर खरीदने की सोच रहे हो जो फास्ट कूलिंग करता हो, जिसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा शानदार हो, जिसमें अच्छे फीचर दिए गए हों
और जिस कूलर का एयर थ्रो रेट बहुत ही ज़्यादा शानदार हो, तो आप सिम्फनी स्यूमो के इस डिजर्ट एयर कूलर की तरफ जा सकते हैं। तो अब टॉप 3 बेस्ट डिजर्ट एयर कूलर इन इंडिया 2024 का लिस्ट होता है साहब। यहाँ पर हमने किसी भी डिजर्ट एयर कूलर के प्राइस के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि इनके प्राइस हमेशा चेंज होते रहते हैं। इसीलिए हमने आप सबकी सुविधा के लिए इनके डायरेक्ट डिस्काउंटर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो के नीचे जो मोर का बटन है, वहाँ पर क्लिक करके आप डिस्क्रिप्शन लिंक को प्राप्त कर सकते हैं।